हाय एवरीवन, दिस इज साक्षी दंजल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग में हम जा रहे हैं सिक्किम की दूसरी साइड एक्सप्लोर करने। मैं खुद से पता है मैं साउथ सिक्किम हूँ और मैं रुकी हुई हूँ टेस्टा टेंडोंग होमस्टे। टेंडोंग का मतलब डोंग का मतलब आपको पता है टेंडोंग का? अगर नहीं पता तो ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि मैं एंड में ज़रूर शेयर करूँगी कि ब्लॉग में कि टेंडोंग का मतलब क्या होता है। तो अभी हम यहाँ से कुछ एक घंटे का रास्ता है टी गार्डन। इसमें आज एक क्यूट सी बच्ची से मिली। नाम क्या है आपका? कृष्णा। कृष्णा कृष्णा, आप कौन सी क्लास में? मुझे कहती हूँ सेकंड में हूँ। और उसके अलावा आप क्रिकेट खेलते हो? आपको पसंद है क्रिकेट खेलना? फ्यूचर का धोनी, गाइस चेक करो, फ्यूचर का धोनी। तुम लोग खेल कर आ गए क्रिकेट? थक गए गाइस। होम स्टे का खाना दीदी एकदम ऑसम खाना बनाती है, फूल पत्ती डाल के। मैं मजाक कर रही हूँ, पत्तियाँ वत्तियाँ डाल के। उन्होंने अभी भी, जब मैं इसको लेकर आ रही थी ना, इसके अंदर वो बड़े वाले उसको कहते हैं बेलीफ डाली हुई थी। जब वो दमालू गर्म कर रहे थे तब भी बेलीफ डाल के गर्म कर रहे थे। रास्ता कुछ ऐसा है, गाँव में थोड़ी सी ऑफ रोडिंग होती है। बढ़िया जगह, ऑसम है अगर आपको ऑफ बीट एक्सपीरियंस करना है तो नेचर के अंदर। पीछे कोई है? हैं, देखो गाइस हमारा ये सारा प्लान है। सो हम देखने में कहाँ कहाँ जाना है। सिद्धेश्वर धाम हमारा हो चुका है। समदुपते कहाँ पर है? क्या पता, एक बार चेक करो, क्योंकि यहाँ से सब पास ही है। जिस तरह ये मैप है सब कुछ पास ही है। यू आर हियर, ओके। टैमी ऊपर है। सो हम यहाँ पे रुके थे ये लेने केला। बट लड़के को केला जो है वो महंगा मिल रहा था। मतलब महंगा क्या मिल रहा था, वो एक दर्जन ही दे रहे थे। क्या करो, महंगे वाली कोई बात नहीं है। फिर बात क्या, 50 रुपए दर्जन। मैं ठीक है फिर आधी दर्जन दे दूंगा। आधी दर्जन नहीं मिलता है यहाँ, एक दर्जन लेना तो लीजिए। मैं एक दर्जन लेकर के क्या भाई कहाँ जाऊँ? वेलकम टू यंगंग। ओके, वी आर इन यंगंग। वेलकम टू यंगंग। कितनी प्लेजेंट सी प्लेस है, बहुत टच कर, मतलब टच प्लेसेस में से एक है। तो मैं हूँ अभी यंग गैंग की गलियों में, बिकॉज हम लोगों ने कुछ खास खाया नहीं हुआ। ऐसे तो कुछ नहीं खाया मैं, तो फिर भी तो कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। सो वी आर गोइंग टू अ कैफे टू ट्राई द फूड। तुम्हें जलेबी मीठा हमें देखते हैं पहले कहाँ पे जाना है। हमें ऊपर कहाँ, हमें कहीं कुछ मिला नहीं है यहाँ पे, कोई कैफेज नहीं है। सो इफ यू आर प्लानिंग द कैफे यू कैन एक्चुअली प्लान इन यंगंग। हम रुके हैं यहाँ पे साउथ सिक्किम की एक शॉप पे, होमनाथ का रसोड़ा। सो ऐसा वो बुद्धा की तस्वीर है। हमें कुछ खास तो मिला नहीं खाने के लिए, हमने कुछ मोमो ही खा लिया। मैंने 2 पीस खाए, राकेश ने बाकी खाया। ही वॉज वेरी हंगी, ही वॉज स्टार्विंग। बट वो जो बुद्धा की तस्वीर है ना सामने, इसलिए मतलब ये जगह यहाँ पे बहुत फेमस है। बट अगर अभी हम जो जा रहे हैं, हम दूसरी साइड जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बुद्धा पार्क। आई हैव टू कवर दैट फर्स्ट। हमें टी हाउस तो भी बंद मिला रास्ता। सो गाइस पता है जो रास्ता है ना बुद्धा पार्क का, जब हमने एक मतलब यश वो क्या योगी संग, हाँ हमने जब एक यम गना जब क्लोज करा ना, तो उसके बाद रास्ता कुछ एक ही साइड के व्हीकल का है और ऐसा ही है। पता नहीं कैसे रास्ते में उठा के ले आई है, चल जाओ उतर के बाद चप्पल गए, ज़ारा की सड़ी हुई चप्पलें नहीं, H&M की लूट लिया H&M ने मेरे को। खरीदारी मत करना गाइस, H&M लूट रहा है आजकल। स्कर्ट क्या लग रही है भाई साहब? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज सिर्फ गेट छोड़ा है। जो मजा ये उड़ गई। चलो छोड़ के जाने का नहीं है,
पैदल नहीं आ पाऊंगी इतनी दूर। फाइनली कोई सिटी आए और अच्छी सड़कें आई। जिस सड़कों से हम आए वो बहुत ही खतरनाक सी थी, बट यू नो ये दिस इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे तो लगता है मुझे कैफे मिल जाएगा, हम कुछ खा भी पाएंगे, बट पहले दर्शन, मतलब इन दर्शन कह रही, पहले पार्क चले, बुद्धा पार्क। तुमने नोटिस करा जब भी हम किसी मतलब ऐसी जगह जा रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे मॉन्क्स दिखते हैं? यप, बन रहे हैं। आई गेस रेनोवेशन चल रही है, बना तो ये बहुत पुराना हुआ है। पता है कितनी देर बाद पेट्रोल पंप दिखा है हमें? पूरे एक घंटे बाद। आ रहे हैं ना लोग तो आपको पे करना पड़ेगा वीडियोग्राफी के लिए, और उसके अलावा आपको टूरिस्ट के लिए 50 और फॉरेन के लिए 200 और स्टूडेंट्स के लिए 10 रुपीज़ चार्जेस है, और मिलिट्री फोर्सेस के लिए 25 रुपये और उसके अलावा अगर आप वो लेना चाहते हैं इको कार राइड तो 200 रुपये। कर दे। So, भैया मुझे इस जगह के बारे में थोड़ा तो बताओ कि लोग यहाँ आते हैं क्यों, ये जगह फेमस क्यों है बहुत अपार। क्या चीज भैया द्वार से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये एशिया का थर्ड में पूरे एशिया में थर्ड नंबर पे। कोपर का। अच्छा, तो मतलब अभी तो रेनोवेशन चल रही है इसकी। कितने साल पुराना है? 9 साल पुराना। 9 साल पुराना। अच्छा, कौन सी तारीख को बना था? 2013 मार्च 24 को बना हुआ था। मार्च 24 2013 को। ओके, परफेक्ट। 6 साल लगाया पूरा बनाने में। अच्छा, पूरा एरिया 24 एकड़ का। अच्छा, 24 एकड़ का एरिया है पूरा। अंदर में गौतम बुद्ध का पेंटिंग है, वो है जिसकी कहाँ पर अंदर क्या है? गौतम बुद्ध की पेंटिंग है। ओके, गौतम बुद्ध का ओरिजिनल अस्थि अभी रखा हुआ है। इसे बैठ करके बजा रहे, वैसे खड़े खड़े बजा जाता है। खड़े खड़े मेहनत का काम है। साक्षी ऑन स्वच्छ भारत अभियान गाने का चाली। फोटो वहां से जैसा कि नीचे की फोटोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है और वीडियोग्राफी भी, और शूज भी बाहर उतारने पड़ेंगे, तो मैं अपना कैमरा बंद करती हूँ। सो गाइस, इसमें आप 5 रुपये का सिक्का डाल के विश मांग सकते हो। नहीं, मुझे नहीं ट्राई करना, तुम्हें ट्राई करना है? सो गाइस, किस किस ने ट्राई करना है मुझे कमेंट करके बताओ कि ये लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, इनको विशेस पूरी करनी है भाई। बाय बाय गौतम बुद्ध पार्क। सो गाइस, फाइनली ये शाही पनीर, ये लच्छा पराठा, ये सैलड, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग। लाइक फूड, हम बीच में रुके हैं कहीं
हम बीच में रुके हैं कहीं खाना खाने, जस्ट बिकॉज वी वर बोथ हंग्री, हमने सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं था। सो हम रुके थे खाना खाने बुद्धा रिट्रीट पे, और द खाना वाज यम, ऑलरेडी शोड यू। हम जा रहे हैं गाइस अगली लोकेशन पे, और रोड चेक करो कितनी प्यारी है, यहाँ पे हवा भी चल। सो गाइस मैं जहाँ पर हूँ ना, ये सारा टी एरिया स्टार्ट हो चुका है, मैं जा रही हूँ टेमी टी गार्डन, और यार ये सारा टी का है, ये जितना है। ओके सो ऑलमोस्ट ये सब टी है यार, चेक करो कितना प्यारा है, मुझे कोई ड्रोन चाहिए यार, ड्रोन चाहिए। सो ये पहुँचते हुए हम टिमी टी गार्डन, और वो ये चेक करो यार, दुनिया देखो यार, ये दुनिया ही अलग है, और सड़कें इतनी सही है इस यहाँ पे। हाँ वेलकम लिखा होगा ना, वेलकम राकेश बेनीवाल। कुत्ते ओह माय गॉड, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है। सो हम थोड़ी ऊपर उतर गए थे, टिमी टी जो है गार्डन वो वहाँ है। सो मैं सीढ़ियाँ लेके जा रही हूँ नीचे की तरफ, ये शायद यहाँ का लोकल का प्लेस है, आई एम नॉट श्योर। अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मेरी गाड़ी वो पहुँच चुकी है। सो गाइस मैं ऊपर नीचे कहीं हो गई थी, आई मीन खो गई थी, तो वो जो भैया उन्होंने रास्ता बताया कि ये रास्ता नीचे जाएगा बिल्कुल, ये पूरा विलेज एरिया है, और मैं पीछे एक विलेज छोड़ कर आई हूँ। लुक एट दिस विलेज एरिया यार, ये जगह बहुत खूबसूरत है। राकेश को मैंने गाड़ी के पास भेज दिया था, जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने। वाह हम चले बाहर में गुनगुनाती राह में, सो आई लव टैमी की फैक्ट्री, टैमी टी की नीचे है, और ये इनका गार्डन है सारा, मेरे सामने आई लव टैमी लिखा हुआ है, आई थिंक सो इनका कोई टी की कंपनी कंपनी है तभी। जैसा कि गाइस मैं उल्टे रास्ते से आई हूँ, सो एग्जैक्टली उस रास्ते पर टिकट है, अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो वहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। राकेश लेने गए अपने लिए टिकट, और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था टिकट का, इस वजह से मैंने टिकट लिया नहीं। मैं टिकट कहाँ से लेती, मैं तो ऊपर से आ रही हूँ वैसे भी विलेज एरिया से। सो गाइस अगर आपने टी मेकिंग देखनी है ना, तो आपको यहाँ से गाइड मिलेगा पर्सनल, 100 रुपीज़ पर पर्सन अंदर जाएगा, और अगर अंदर आपने गाइड के अलावा क्या करना है, जिप लाइनिंग आगे सबसे बड़ी जिप लाइनिंग है ये आपकी पूरी ऑल ओवर सिक्किम में, तो 300 पर हेड है। और तीसरी चीज आपकी हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग भी है, पैराग्लाइडिंग अभी बंद है। और हॉर्स राइडिंग कितने की है, हॉर्स राइडिंग 150 की है, आपको सिर्फ यहाँ आई लव टिमी तक ले जाएंगे और फिर वापस। अच्छा और वो पैराग्लाइडिंग अभी ऑफ है। ओके सो गाइस मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप यहाँ से आओगे तो आपके 20 रुपये लगेंगे, मगर अगर आप वहाँ से चढ़ोगे वो खड़ी सीढ़ियाँ, तो आपके 20 रुपये नहीं लगेंगे गाइस, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं ऊपर से आई थी, मैं फ्री में आई थी, बट ये वहाँ से नहीं, 20 रुपये दे। यहाँ से आप टी परचेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर का एरिया है इनका, तो आपका डायरेक्ट कंपनी के साथ होगा टाई अप, ठीक है। अच्छा फॉर सेल इन सिक्किम ओनली, हम ये वाला उठा रहे हैं गाइस, क्योंकि ग्रीन टी इज समथिंग लाइक आई वांट टू ट्राई, एंड भी तो रिव्यू की टाइम, ग्रीन टी कैसा रहा मेरे लिए। स्मार्टी ब्लड प्यूरीफाई करना चाहते हैं कि ब्लड को, सो ब्लड प्यूरीफाई होता है इससे। सो गाइस ये कहते क्या है इसको, जब से ब्लड प्यूरीफाई, बी, अच्छा बी कहते हैं। अच्छा और आज पकोड़े थे एंड पनीर की सब्जी एंड रोटी, ऑब्वियसली चावल के साथ, यहाँ चावल बहुत खाए जाते हैं। अरे बस हो गया, अब इनको खिलाओ पकोड़े, हमारा तो हो गया हिसाब किताब पूरा। सो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये चावल मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है ना, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल ही खाए जाते हैं ना। ये क्या है, ये भी अचार है। अब मतलब मुझे लगता है आपकी वाइफ किचन में ना बहुत स्पेशलिस्ट है, मतलब एक होता है ना खाना बनाने में उन चीज़ों में बहुत बहुत आगे है।
नहीं मतलब इतना सारा मतलब चीजें मुझे वैरायटी मिल जाती है ना हमेशा। खैर आज उसने सच में बहुत खाया है, दही खाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टुमारो आई एम कमिंग विद न्यू प्लेस सो आई एम गोइंग फॉर सम टुमारो विद द न्यू व्लॉग।